डर के आगे जीते इधर डर के आगे वरुण धवन मुझे मार दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो कोई मुझे देखना चाहता है, मेरा व्लॉग देखना चाहता है, तो मेरे यूट्यूब पे दूसरा चैनल है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिएगा। और उस चैनल का नाम है सोफी परमार। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो अपने फोन पे यूट्यूब ऑन कीजिए, सर्च कीजिए सोफी परमार, सबसे पहला चैनल आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय करिए। और वहां पे मूवीज के लिए कमेंट ना करें तो अच्छा है। थैंक यू। So, आज हम करने वाले हैं कुली नंबर 1 ऑफिशियल ट्रेलर का रिएक्शन, जो कि 1995 में आई गोविंदा की कुली नंबर 1 का रीमेक है। मूवी में जो लीड रोल में है उनका नाम है वरुण धवन एंड सारा अली खान, और इनके डायरेक्टर है डेविड धवन ऑब्वियसली। और ये मूवी आई थिंक अमेजोन प्राइम पे आने वाली है, रिलीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अमेजोन प्राइम पर है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुली नंबर 1 भी एक तमिल मूवी का रीमेक है, 1993 में आई थी, चिन्ना मल्लीपाई ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो रीमेक है ये, इट्स लाइक इंसेप्शन, सपने के अंदर सपना, के अंदर सपना। ओह माय गॉड, मेरा अपना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग कुली नंबर 1 का रिएक्शन। मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिची रिच हस्बैंड दिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, बुर्ज खलीफा इसका है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। तुमको मालूम किससे बात करता है? कितने सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। गोविंदा का रोल कर रहे हैं। ATM का फोन है। ATM सर। अंबानी, ट्रंप, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। शाओ शिमा शोगी शामा शी जूस की माकी, जूस की माकी, जूस की माकी, जो मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देखना। चुराना मेरा जीना, मामा जी मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। माँ का घोंसला छोड़ के भांजी के घोंसले में रहना चाहते ना? इंस्पेक्टर, ये अपना चुरवा भाई है, कंप्लेन गया डोमे वाली के खाली पे। पहले एक और लड़की लेके आया, वो मेरी बेटी है, और एक और लड़की लेके आया, यू जॉली यंग मैन, वो भी मेरी बेटी है। हेवन ऑन द डॉक्स मैन, जुड़वा आउट ऑफ द बॉक्स मैन। ओ बढ़िया डिप्लोइंग लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाई। आपने कभी उनको एक साथ देखा है? एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता तो पहला आता है। तो कौन है वो? वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है, वो कुली है, कुली है, कुली है। दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1, कोई शक। ए कुली। मैंने पहले कहीं देखा है आपको। मैं नौजवानों की बेटी कैप्टन हूँ, रातों की रानी, व्हाट से मैन। हेवन ऑन द डॉक में, ब्यूटी इन द फ्रॉक में, चल बे ठरकी। आपने सच में पूरा देखा हो? अब सोच रहा हूँ क्यों ही देखा। मास्क को
आंखों में पहनने के दिन आ गए भाई साहब। मेरा सैनिटाइजर कहाँ है? मैं मुंह में लगाते थे, अब आंख में लगा लो। अब बताइए इसमें मैं कौन सी गाली दूँ? कौन सी लैंग्वेज में थे? बॉलीवुड के जो दूसरे डायरेक्टर है उनका रहता है चलो साउथ की मूवी को रिमेक करके उनका बैंड बजाते हैं। डेविड धवन इज लाइक अपने मूवी का बैंड बजाते मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गोविंदा की मूवी का रीमेक आप कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप गोविंदा बनने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं हो सकता। और मैं जितने भी सीन्स इसमें देखे ना, आई कैन मैं पूरा मेमोराइज कर सकता हूँ उसमें वो सारे सीन्स थे, सारे सीन्स थे। और गोविंदा को मैं स्माइल करते उनका फेस इमेजिन कर सकती हूँ, उनके डायलॉग डिलीवरीज एंड जो वो ए वाला हाँ। वो सीन इतना अल्टीमेट ऐसे करके बात करते वो बहुत सही था वो, इसे तो मेरा निकल गया भाई, ए क्या है ये? मुझे जब पता है चल रहा था ना, बीच में ऐसा लगा कि यार इसे रोक देना चाहिए, और मैं इनकी तरफ देखने लगी कि रोक दो क्या कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन डायरेक्टर के ऊपर केस करना चाहिए मेंटली हरास करने के लिए, मेरे आंखों को तकलीफ देने के लिए। मतलब बेसिकली कूली नंबर वन इज द फिल्म जिसका रीमेक वॉज नॉट नीडेड, उसकी जरूरत नहीं थी। हमें टॉर्चर करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। और अच्छा है कि थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है। देखो अच्छी मूवी रही अच्छा बोलेंगे, खराब मूवी पहले में बॉलीवुड से परेशान है हम लोग, काफी परेशान है क्योंकि बहुत ही रद्दड़ मूवी आती है, पर इस लेवल तक मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे? साउथ से कुछ सीखो, साउथ की मूवीज होती है उनसे कुछ सीखो, उनमें से किसी अच्छी मूवी का रीमेक कर दो। हाँ अच्छी अच्छी मूवीज है उसे रीमेक करने की कोशिश करो, पूरा भी मत करो। आई नो ये देखकर समझ आएगा कि आप कोशिश भी नहीं कर सकते हो। और इस ट्रेलर में द ओनली थिंग दैट गोज अननोटिस्ड इज सारा अली खान। हाँ इतना नहीं है मेरा ध्यान, करिश्मा का क्या चांद था गुली नंबर वन में यार। जितने भी हेटर्स है, अगर आप हेटर्स हो दे दो गाली, हमें फर्क नहीं पड़ता, मूवी रद्दड़ है तो रद्दड़ है। नहीं अच्छी नहीं लगी मेरे को, बिल्कुल अच्छा नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं जमा, बिल्कुल नहीं जमा। गोविंदा अलग ही था ना, गोविंदा की तो ओवर एक्टिंग भी देख के मजा आता था एक्चुअली। वो अपने टाइम पे अगर कहा जाए तो ओवर एक्टिंग करते थे, पर वो नेचुरल निकलता था उनका, उनकी ओवर एक्टिंग देखकर भी हंसी आ जाती। एक भी पूरा अपन ने देखा उसमें एक भी उनका वैसा हंसी नहीं है, हंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके। देखो मम्मी किसी चीज की बुराई नहीं करती है, लेकिन मम्मी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, जरूरत ही नहीं थी उनको ऐसा करना, नहीं था ये तो अच्छी मूवी थी पूरी नंबर वन, बिगाड़ दी सब पूरी पिक्चर का, बिगाड़ दी। पता नहीं है डिजिटली हिट भी हो जाए तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि आजकल कंटेंट है ना, इन लोग शायद Amazon पे आएगी तो देख भी लेंगे, हिट भी हो जाएगी। जो भी है मास्क दो, मास्क दो मुझे आंखों में पहनने के लिए। अब तो बन गई है, रिलीज भी होने वाली है और काफी सारे लोग आप में से देखेंगे भी, तो देखिए जाइए, हमको क्या, हम सेफ है यहाँ पे, हम सेफ है। तो मैंने एक और चीज नोटिस करी कि इसमें ना लाइक डिसलाइक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सड़क टू सबसे डिसलाइक ट्रेलर था, आई थिंक ये उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ देता। आई थिंक सो सच में, मतलब भाई साहब आप पूरे श्योर हो कि ये मूवी को कोई पसंद नहीं करेगा, पर फिर भी हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब मैं बोलूं तो मेरे को सिर्फ इस ट्रेलर में सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि अमेज़न में बहुत डेयरिंग है, कि उसको पता था कैसे सबसे ज्यादा डिसलाइक आएगी, तब भी उसने ये ट्रेलर डाला, तब भी वो मूवी अपने इस पे स्ट्रीम करने वाला है। डर के आगे जीते, इधर डर के आगे वरुण धवन है। नहीं पर वो पहले दूसरी पिक्चर करी उसमें अच्छे लगते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे, एक भी बिल्कुल भी नहीं जमे, बहुत ओवर एक्टिंग, बहुत ओवर एक्टिंग लगा। अरे मैं बता रही हूँ ना, खत्म कर दो। पता नहीं रिएक्शन आपको कैसा लगा होगा, पर फिर भी चैनल बहुत अच्छा है, हमारा चैनल अच्छा है, इससे प्लीज हमारे चैनल पे फर्क मत पड़ने देना। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, अनसब्सक्राइब मत करना। जो नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इस वीडियो को लाइक करो। क्या ही बोलूं, मतलब मैंने खुद ट्रेलर लाइक नहीं किया, लेकिन हमारा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस पे कमेंट करिए कि आपको ये कैसी लगी, मतलब ऑनेस्ट कमेंट कैसी लगी। जिसको भी ये ट्रेलर पसंद नहीं आया प्लीज उसके साथ हमारा ये रिएक्शन आप शेयर कीजिए, शायद हमने उनके दिल की बात बोल दी हो या फिर हमने कुछ आसपास के दिल के तार छेड़ लिए तो उनको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सत्यानाश बड़ा कर को इसका पैसा। Oh.